हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आज की डेट है 14 मई और आज सुबह सुबह मैंगो शेक बन रहा है क्योंकि बच्चों की डिमांड थी। बच्चों की डिमांड तो पूरी करनी ही होती है यार। तो उन्हें ना सुबह सुबह उठने के बाद ब्रश किया और उनको मैंगो जूस चाहिए था, मैंगो शेक सॉरी, वो चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर मैंगो शेक बनाना स्टार्ट कर दिया था। और आज ना उनको दूध नहीं पीना था, तो बोल रहे थे कि मैंगो शेक ही चाहिए। तो मैंने सोचा चलो आज बना ही देती हूँ मैंगो शेक उनको। कल भी बनाया था एक्चुअली, शाम को बनाया था, बट आज उनको सुबह सुबह ही चाहिए था तो मैंने सुबह ही बना दिया उनके लिए। और यहाँ पर मैं मैंगो पहले स्लाइस, मतलब मैंगो के वो जो छिलके होते हैं वह मैंने निकाल दिए और एक पिलर से, और उसके बाद मैं ऐसे ही काट रही हूँ। और आप भी ऐसे ही बनाते होंगे, कोई नया तो नहीं बता रही हूँ मैं। पता नहीं, ये वाले मैंगो अभी कल परसों लेके आए थे ये, हाँ परसों ही लेके आए थे। एक्चुअली क्या हो रहा था कि मैंगो ये बहुत कम लेके आए हैं इस बार, क्योंकि अब तक तो बहुत सारे मैंगो खा चुके होते थे हम लोग, बट अभी ये लॉकडाउन की वजह से ना बहुत कम मैंगो भी मिल रहे हैं यहाँ पे। और वो भी हो रहा है कि मतलब इनके ड्यूटी का टाइम भी वो फिक्स नहीं है, तो इसी वजह से कुछ ला नहीं पा रहे अलग से। तो वैसे तरबूज वगैरह लेके आते हैं, खरबूजा लेके आते हैं, तरबूज लेके आते हैं, बट मैंगो इनको दिख ही नहीं रहे थे, तो इस बार बहुत कम मैंगो हमने खाया है। और मम्मी को पूछती हूँ तो मम्मी के यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मम्मी बोल रही थी कि हमने बहुत सारे मैंगो के जूस, मतलब मैंगो के शेक वगैरह बना के पिए हैं, मैंगो जूस बना के पिए हैं, तो उनके यहाँ पे मिल रहे हैं, बट हमारे यहाँ पे मिल ही नहीं रहे थे, कम मिल रहे थे, तो इसी वजह से ये लेके नहीं आ रहे थे। तो अभी लेके आए हैं, तो अभी बच्चे मतलब बहुत पसंद है बच्चों को। एक्चुअली मुझे भी बहुत पसंद है मैंगो, और मैंगो शेक भी बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है यार, और बच्चों को भी मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तीनों के लिए बन रहा था ये मैंगो शेक। तो यहाँ पर मैंने पहले मैंगो जो है वो क्या बोलते हैं ग्राइंड कर लिए थे, और उसके बाद मैंने दूध ऐड किया है उसमें और चीनी ऐड की है, उसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और फिर बन गया है हमारा मैंगो शेक, यहाँ पर रेडी हो गया है। तो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ था कि दोपहर में ये जब ड्यूटी से आए थे, उसके बाद इन्होंने लंच किया, और उसके बाद ना एक कोई आदमी आया यार हमारे गेट के पास, तो उसको ना भूख लगी थी बहुत ज़ोरों की, तो हम लोगों ने उसको खाने के लिए दिया। और उसने ना क्या किया कि मतलब वो ना ये बेचने के लिए आया था लव बर्ड्स, तो कुछ बेच भी दिए थे उसने, और ये लास्ट पीस बचे थे उसके पास, तो वो रिक्वेस्ट करने लगा कि ये लव बर्ड्स ले लो करके। तो हमने सोचा चलो ले लेते हैं, मतलब उसको भी हेल्प मिल जाएगी, वैसे तो हम लोग कुछ हेल्प कर नहीं सकते हैं, तो बेचारा आ गया है बेचने के लिए। तो एक्चुअली उसका वो कुछ ये नहीं हो रहा होगा, धंधा नहीं हो रहा होगा, तो इसी वजह से वो आ गया था यहाँ पर बेचने के लिए। तो हम लोगों ने ले लिए फिर लव बर्ड्स ये, और अद्विक को ना बहुत पसंद आ रहे थे। तो एक्चुअली हमारे पास थे पहले लव बर्ड्स, बट वो ना मरे जा रहे थे, क्योंकि हमें ना उसका वो पता नहीं रहता है कि क्या कैसे खिलाना है उसे, क्या खिलाना है एक्चुअली, क्या खिलाना है वो तो उन्होंने बताया था जो शॉप से हमने परचेस किए थे,
बट ना मतलब कौन से टाइम में खिलाना है, उसका टाइमिंग होता है, ज़्यादा भी नहीं खिलाना है उसे, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसी वजह से ना वो मर गए थे हमारे घर के। तो मतलब दो तीन पेयर लाए हमने और फिर वो बच ही नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने फिर सोचा कि नहीं यार नहीं रखते हैं क्योंकि फालतू में पाप किस लिए लेना। तो इसी वजह से हम लोग फिर उसे नहीं रख रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो बेचने के लिए आया तो हम लोगों ने ले ली यार उसके, मतलब ऐसा लगा कि यार उसको हेल्प मिल जाएगी, इसी वजह से ले लिए थे। बट ये ना पेयर मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना कि उसको ना घर, मतलब ये घर पे रहा हुआ है, जैसे शॉप वगैरह में रखते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा वो होता है, केयर वगैरह की जाती है तो उसे वही आदत लग जाती है। बट ये ना ये जो घर वाले होते हैं वो पालते हैं, तो वो घर पर रहे हुए हैं ना, तो इसी वजह से वो घर पर रहेंगे ऐसा लग रहा था हमें। तो इसीलिए ना वो मतलब घर पर अंदर लाने के बाद अच्छे से खेल रहे थे, तो इसीलिए सोफे के नीचे जा रहे थे, खेल रहे थे, इधर उधर मतलब उड़ रहे थे। तो ज़्यादा ये उड़ते नहीं है, फैन वगैरह में कटने का डर नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं उड़ते हैं। बट हम लोगों ने फिर ये जो पिंजरा था हमारे घर पे तो वो लेके आई ये, और फिर उसमें डालना था हमें उसे। बट ना ये ऐसे ही खेलते हुए अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि नहीं यार डाल मतलब मत डालो इसे। तो इन्होंने फिर काफ़ी देर तक इसे वो हॉल में खेलने दिया हमारे, और अद्विक भी खेलते रहा उसके साथ। फिर उसको खाना वगैरह खिलाया हम लोगों ने, फिर बहुत मतलब सर्च किया इन्होंने यूट्यूब पे कि क्या खिलाना होता है, कैसे खिलाना होता है, कौन से टाइम पे खिलाना होता है, बहुत सारा सर्च किया। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि यार ये रहने चाहिए घर पे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और इसका नाम भी रखा है अद्विक और माही ने, बंटी और बबली। तो पहले वाले भी जो मतलब हम लोगों ने पाले थे उसको भी नाम वही रखा था, और अभी इसका भी नाम वही रखा है। तो अभी फाइनली इन्होंने खाना वगैरह खा लिया था, और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या हुआ था कि ये पिंजरा जो है वो टांग दिया था। तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ हमारे घर के न्यू मेंबर्स। तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पसंद आया हमें और अद्विक को भी। अद्विक तो बहुत देर तक खेलते रहा उसके साथ, मतलब आज तो सोया ही नहीं था वो। पूरी दोपहर ना बच्चों ने इनके साथ ही स्पेंड की, और बिल्कुल कोई भी नहीं सोया आज तो, मतलब बाहर ऐसे ही कंपाउंड वॉल में ये खेल रहे थे, उसके साथ बच्चे भी खेल रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब ये आने के बाद ना वो ऐसा थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है हमारे घर का। हे गाइस, गुड इवनिंग। और अभी बज रहा है शाम के 7, और ना मैंने एक मिनट यहाँ पर कपड़े डाले थे और मैं भूल गई थी कपड़े। एक्चुअली क्या हुआ था कि बहुत लेट वॉश किए थे, और मैं ना अभी नहा के आई हूँ, जस्ट नहा के आई हूँ और बाल गीले ही है। तो मैंने ना आज हेयर वॉश किया है, आज हेयर ऑयलिंग वगैरह नहीं की थी, बट पता नहीं क्यों हेयर वॉश करने का मन कर रहा था तो हेयर वॉश कर लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कपड़े डाले थे मैंने, काफ़ी सारे कपड़े थे आज, तो वो ना यहाँ पर ही डाल दिए थे। तो जब मैंने कपड़े वॉश किए ना उस टाइम बहुत धूप थी, तो इसीलिए मुझे ना ऐसा लगा कि यहाँ पर ही कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं कपड़े पीछे की साइड में डालती हूँ, तो वहाँ पर इतनी धूप में जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से ना मैंने यहाँ पर ही डाल दिए थे। तो अभी ना ड्राई ही नहीं हुए हैं, मुझे लगा ही था कि ये ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि मैंने फ़ैन भी ऑन नहीं किया था और जल्दबाजी में डाल के चली गई थी यहाँ पर। तो काफ़ी सारे कपड़े थे, अभी मैं बाहर डाल देती हूँ इसे, मतलब ये जो स्टैंड है वो बाहर रख देती हूँ ताकि थोड़ी हवा आ जाएगी, और हवा लगेगी तो ये कपड़े ड्राई हो जाएंगे। तो चले फिर जाती हूँ, अभी बाहर डाल देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार। मैं नहाने गई तो मुझे लगा भी नहीं था इतना लेट हो जाएगा। और मैं ना जब भी हेयर वॉश करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार हेयर वॉश करने के लिए। पहले वो एक दो बार शैम्पू यूज़ करो, उसके बाद कंडीशनर अप्लाई करो, उसके बाद फिर थोड़ा सा होता है, वो देर लग जाती है मुझे। तो चलिए पहले डाल देती हूँ कपड़े और बाद में बात करती हूँ, नहीं तो फिर और अंधेरा हो जाएगा। चलिए रख दिया है मैंने यहाँ पर स्टैंड, और यहाँ पे सूख जाएगा अभी कपड़े, क्योंकि हवा जो आ रही है यहाँ पे थोड़ी सी गर्म आ रही है, थोड़ी सी गर्म हवा की वजह से सूख जाएगा जल्दी से ये। और थोड़ी देर में लेके भी जाना होगा मुझे, 1 घंटे में मैं अंदर लेके जाऊँगी इसे। तो यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बाहर ना थोड़ा बाहर आ जाते हैं तो अच्छा भी लगता है इस टाइम में।
तो इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए ना मेरा, मतलब नहाना वहाना हम लोग जल्दी ही करते हैं वैसे, पर थोड़ी देर मैं बाहर बैठ जाती हूँ, हम लोग बाहर बैठते हैं या मैं ऊपर आ जाती हूँ टहलने के लिए, तो थोड़ा सा होता है। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि वर्कआउट नहीं कर रही हूँ क्या, तो डियर वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वेट गेन हो रहा है मेरा। तो वर्कआउट रेगुलर करना पड़ेगा अभी, क्योंकि ना जब से वो कोरोना के पेशेंट यहाँ पर मिले हैं तब से ना मेरा वर्कआउट ही नहीं हो पा रहा है। पता नहीं, जब हम लोग साथ में करते थे ना उस टाइम वर्कआउट बहुत अच्छे से होता था, बट अभी ना जब से मतलब अकेली कर रही हूँ, तो कुछ दिन एक दो दिन मैंने किया अकेले, बट उसके बाद तो बिल्कुल मन ही नहीं किया मेरा अकेले करने का, तो इसीलिए अभी हो ही नहीं रहा है। वर्कआउट दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा और करूँगी, लेकिन क्योंकि वेट गेन हो रहा है, किसी ने मुझे ये भी बोला था कि वेट गेन हो रहा है आपका, तो मुझे भी लग रहा है वेट गेन हो रहा है, थोड़ा सा पेट वेट बाहर निकल रहा है। मेरा पेट कभी नहीं निकलता बाहर, मतलब आप लोगों ने देखा होगा पेट वगैरह बाहर नहीं निकलता है, बट थोड़ा सा पेट भी लग रहा है मुझे अभी बाहर निकला हुआ मेरा, तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। वैसे मैं प्रॉपर एक्सरसाइज पेट के लिए वगैरह करती नहीं हूँ, बट पता नहीं क्यों पेट नहीं बाहर निकलता है, बट थोड़ा सा ना लोअर पोर्शन हीवी होने की वजह से मुझे करनी पड़ती है एक्सरसाइज, तो वो भी करना पड़ेगा अभी, रेगुलर करनी पड़ेगी एक्सरसाइज, और उसके लिए थोड़ा सा प्रॉपर रहना पड़ेगा एक्सरसाइज में। तो चलिए, अभी अंधेरा भी हो रहा है, नीचे चलते हैं। और नीचे मैं बनाने वाली हूँ आज साबुदाना बड़ा, जो मैंने साबुदाना भिगो के नहीं रखा था, वो साबुदाना बड़े के लिए ही साबुदाना भिगो के रखा था, तो अभी मैं वही बनाने वाली हूँ। शाम की चाय तो हो गई है हमारी, बट थोड़ा सा मन कर रहा है कि स्नैक्स में कुछ खा ले और उसके बाद चाय भी पी ले उसके साथ। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं और उसके बाद बनाती हूँ मैं साबुदाना बड़ा और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। ये लोअर उधर ही अंदर ही रह गए थे, तो ये भी डाल देती हूँ। चलिए नीचे चलते हैं। गाइस, आ गई हूँ मैं किचन में अभी और आलू बॉईल कर रही हूँ, मतलब आलू बॉईल करने के लिए डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं छोटे साइज़ के 4 से 5 आलू, मतलब छोटे मीन्स मीडियम साइज़ के। और हाँ, किसी ने मुझे बोला था कि आप एल्यूमिनियम के कुकर या बर्तन यूज़ मत किया करो, उससे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ये तो मुझे भी पता है डियर, बट वो पहले के लिए हुए है, अभी क्या कर सकती हूँ, यूज़ तो करना पड़ेगा ही। बट मैं भी कब से सोच रही हूँ कि जो स्टील का कुकर है वो ले लूँ, बट अभी तो बहुत चीज़ों में सोचना पड़ रहा है यार। पहले तो ऐसा था कि कोई भी चीज़ अगर लेनी हो तो बिल्कुल हम लोग सोचते नहीं थे, शॉप में चले जाते थे और ले लेते थे, बट अभी बहुत सारी चीज़ों में सोचना पड़ रहा है और वो हो रहा है कि यार फालतू में पैसा क्यों वेस्ट करना ऐसी चीज़ों में, जो चीज़ें घर पे है उस चीज़ों में फालतू में पैसा क्यों वेस्ट करना। ये वैसे अभी कोरोना के बाद ना बहुत ज़्यादा वो होगा, मतलब लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों को लेने के लिए, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। पहले जैसी लाइफस्टाइल थी वैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली है, सभी की लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है, मतलब मैं अपना ही नहीं बोल रही हूँ, सभी की स्टाइल चेंज होने वाली है यहाँ पे। तो बिल्कुल ना मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें ना अभी थोड़ा सा वो हो रहा है कि पहले ना कैसा था कि ये इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, बट अभी ना ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मतलब ये सारी चीज़ें अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो घर के लिए मतलब शो ऑफ करने वाली चीज़ें जो होती है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें ना अब अपने से नीचे वालों को देख के सीखना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक टाइम की रोज़ी रोटी भी नहीं मिल रही है यार, और हम लोग फालतू में शो ऑफ करने के चक्कर में इतना सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं। अभी तो सभी को सेविंग की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी, और आप ही सोचो ना कि कुछ दिन पहले कितने अच्छे से लाइफ चल रही थी और अभी सडनली लाइफ चेंज हो गई है, सभी की लाइफ चेंज हो गई है, तो सेविंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार लाइफ में। सेविंग होगी तो हम लोग आगे कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बट कब क्या होगा कोई बता सकता है, कोई नहीं बता सकता यार। थोड़ी सी मुझे भूख लगी थी तो मैंने ब्रेड बटर खा लिया, उसके बाद आ गई थी मैं ये बनाने के लिए। तो मैंने पोटैटो के जो छिलके हैं वो निकाल लिए थे और यहाँ पर मैं उसे स्मैश कर रही हूँ। स्मैश हो जाने के बाद मैं उसमें ऐड करूँगी जीरा पाउडर। अगर आप इसे फास्ट के लिए बना रहे हो ना, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि उसके बाद वो चीज़ें ऐड नहीं करनी है। मैं यहाँ पर फास्ट के लिए नहीं बना रही थी, तो इसी वजह से मैं ये चीज़ें ऐड कर रही थी। एक्चुअली जीरा पाउडर आप फास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ये मैं अदरक किस रही हूँ, कद्दूकस कर रही हूँ, तो ये भी आप फास्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। अदरक डाल देना है कद्दूकस करके थोड़ा सा,
और उसके बाद उसमें ऐड करना है नींबू, मतलब लगभग एक नींबू का जूस हमें उसमें ऐड कर देना है। थोड़ी सी क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है तो इस वजह से एक नींबू का जूस तो लगेगा ही, तो एक नींबू का जूस हमें ऐड कर देना है। उसके बाद ऐड करना है हमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर वगैरह। तो अगर आपके पास, आपको लाल मिर्च पाउडर पसंद नहीं है तो आप हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हो उसमें, बट मुझे लाल मिर्च ठीक लगती है उसमें, तो इसी वजह से मैं लाल मिर्च ऐड करती हूँ। बहुत सारे लोग हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं बट वो फ्राई करने के बाद ना वो क्रिस्पी क्रिस्पी टाइप अलग सी हो जाती है, तो इसी वजह से मैं लाल मिर्च ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है उसके बाद उसमें जो क्या बोलते हैं साबूदाना मैंने सुबह भिगो के रखा था। एक्चुअली अगर साबूदाना आप सुबह भिगो के रखते हो ना तो बहुत ज़्यादा खिला खिला सा वो भीगता है, और अगर आप 2-3 घंटे के लिए भिगोते ना अच्छे से नहीं भीगता है। तो इसी वजह से कभी भी आप, जब भी ये याद रखना, जब भी आप साबूदाना बड़ा बनाओगे ना तो उसके बाद मतलब उसके लिए ना सुबह ही साबूदाना भिगो के रखना ताकि वो खिला खिला सा बने अच्छे से। तो यहाँ पर आप देखना मेरा बिल्कुल जो साबूदाना पड़ा है वो ऑयल नहीं पकड़ेगा। अगर इस कंसिस्टेंसी में आप रखोगे, मतलब ऐसी क्वांटिटी आप लोगे, तो बिल्कुल साबूदाना बड़ा ऑयल नहीं पकड़ेगा आपका। और यहाँ पर मैंने फिर उसके बाद एक कटोरी वो भी डाल दिया है क्या बोलते हैं मूंगफली का चूरा, तो वो भी एक कटोरी डाल दिया है मूंगफली का पाउडर। और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को यहाँ पर। तो मैंने ना लिया था पहले 4 से 5 लिए थे आलू, और उसके बाद मैंने उसमें लिया था 2 कटोरी साबूदाना भिगो के रखा था वो, और उसके बाद 1 कटोरी मैंने वो लिया था मूंगफली का पाउडर। तो इसी क्वांटिटी में आपको लेना है, 2 कटोरी साबूदाना हो तो 1 कटोरी आपको मूंगफली का पाउडर लेना है और 4 से 5 आपको आलू लेने हैं और मीडियम साइज़ के। तो इसी तरह से अगर आप लेते हो ना तो बिल्कुल आपका जो आप जो भी ये गुदा बनाओगे वो बिल्कुल तेल नहीं पकड़ेगा, जो आपके साबूदाना बड़ा है बिल्कुल तेल नहीं पकड़ेगा और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो इसी तरह से, और जब भी आप साबूदाना बड़ा डालते हो ना ऑयल में तो तब आपका जो ऑयल है वो गर्म होना चाहिए, नहीं तो साबूदाना बड़ा जो है वो ऑयल पकड़ने लगेगा। तो गर्म ऑयल में ही आपको इसे फ्राई करना है, मतलब थोड़ा सा भी ठंडा नहीं होना चाहिए ये ऑयल, नहीं तो बड़ा ऑयल पकड़ने ही लगेगा। तो इसी ट्रिक से आपको करना है, मतलब ये जो टिप्स मैं दे रही हूँ तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इसी तरह से आपको करना है और बस थोड़ा सा पानी लगा के हाथों को बड़े बना लेने हैं और उसके बाद उसे अच्छे से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे बड़े आपके और बहुत टेस्टी बनेंगे इस तरह से अगर आप बनाते हो तो, और बिल्कुल ऑयल नहीं पकड़ेंगे, बिल्कुल ऑयली। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बड़े जो है ऑयली ऑयली लगते हैं और इसी वजह से उनको बड़े खाने का मन नहीं करता है जो साबूदाना बड़ा है। बहुत सारे लोग उसको ना कतराते हैं खाने में कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा ऑयल पकड़ने लगता है और इसी वजह से नहीं बनाते हैं। तो इस ट्रिक से अगर आप बनाते हो ना तो बिल्कुल ऑयल नहीं पकड़ेंगे बड़े और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो इसी तरह से बना के ज़रूर देखना एक बार। और उसके बाद यहाँ पर मैं मूंगफली की चटनी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने मूंगफली ली है, भून ली है, उसके छिलके निकाल लिए थे। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है था दही, 2 चम्मच दही ऐड किया था। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, आपको पसंद है तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी ऐड किया तो चलेगा। तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी और बस इसे ये इस चटनी को ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। ये वाली चटनी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इसके साथ। अगर ये ऑप्शनल है लहसुन अदरक का पेस्ट, अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से बना लेना है और इसके ऊपर ना जीरा तड़का वगैरह लगा देना है। तो मैंने राई जीरा का तड़का नहीं लगाया था, ऐसे ही बनाया था। तो आप अगर चाहो तो राई जीरा का तड़का लगा सकते हो चटनी के ऊपर, और धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए डाल देना है। तो मैंने धनिया पत्ता डाल दिया था और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यम्मी दिख रहा है बड़े, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे यार, बहुत ही क्रिस्पी बने थे, और एक भी बड़ों ने ऑयल नहीं पकड़ा था, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे थे और बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो, और आप नाश्ते में भी बना सकते हो, इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हो, कभी भी बना सकते हो ये। बट मुझे ना नाश्ते में टाइम नहीं मिलता है, इसी वजह से हम लोग ना नाश्ते में ऐसे कुछ बना नहीं सकते। मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है, क्योंकि मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है, तो इसी वजह से ऐसा कुछ नहीं बना सकती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें ना थोड़ा सा टाइम लेता ही है ये वाली रेसिपी, थोड़ी सी टाइम तो लेती ही है, थोड़ा सा फ्राई करना ये वो, मतलब टाइम तो लगता ही है। तो इसीलिए मैं ना बहुत ईजी वाली रेसिपी ट्राई करती हूँ सुबह सुबह, जो बहुत जल्दी बन जाती है, जैसे कि पोहा, उपमा, पापड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ। बट ऐसा ना थोड़ा सा जो ज़्यादा टाइम लगता है जिसमें, तो वो नहीं ट्राई कर सकती हूँ। इसी वजह से मैं सुबह आपको नहीं दिख
खा सकती है ये, तो मैं हम लोग ना कुछ खाते हैं तो ऐसा कुछ बना के खाते हैं तो इवनिंग में ही बना के खाते हैं। अगर आपके हस्बैंड ड्यूटी नहीं जा रहे हैं लॉकडाउन में और घर पे है, तो आप घर पे ये वाला नाश्ता बना सकते हो सुबह सुबह, ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है और सभी लोग तारीफ़ करेंगे आपके इसके। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगा। बहुत लोग ट्राई करते हैं और कमेंट करके बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज आज डिनर नहीं बनाना पड़ा, मतलब जल्दी ही हो गया, आज तो 10:15 ही बजे हैं, बहुत जल्दी हो गया क्योंकि आज किसी को खाना ही नहीं खाना था। साबुदाना बड़ा जो खाया हमने उसी से पेट भर गया सभी का, सभी बोल रहे थे कि डिनर मत बनाओ, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से मैंने डिनर नहीं बनाया आज, उसी से सबका पेट भर गया और सभी मतलब सोने के लिए रेडी है अभी इस टाइम पे, क्योंकि हम लोग बहुत लेट सोते हैं, आप लोगों को भी पता है, मतलब 12-12 बजे तक ये तो क्रिकेट ही खेलते रहते हैं, बट सभी लोग अभी शांति से टीवी देख रहे हैं। और इस वजह से मैं ना आ गई हूँ बेडरूम में, मैंने सोचा चलो आपके नाम ले लेती हूँ, आपको बता भी देती हूँ और आपसे थोड़ी सी बातें भी कर लूँगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी हो तो मैं बाद में बात करूँगी, बट सबसे पहले नाम ले लेती हूँ। बहुत सारे लोगों के एनिवर्सरी है कल, मतलब जिस दिन ये ब्लॉग जाएगा 15 को, तो बहुत सारे लोगों की एनिवर्सरी है, तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी एनिवर्सरी विश करने के लिए, तो मैं एक एक करके नाम ले लेती हूँ आपके और एनिवर्सरी विश करती हूँ आपको। तो सबसे पहला नाम है ललिता राजगे, उनकी एनिवर्सरी है, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डियर, आज के दिन आपको जो चाहे वो मिल जाए और सारी खुशियाँ मिले आपकी लाइफ में आपको। और इंडियन यूट्यूबर सोनाली लाइफ, उनकी भी एनिवर्सरी है, तो उनको भी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डियर, आपको भी सारी खुशियाँ मिले आपकी लाइफ में और आपको जो चाहिए वो आज के दिन मिल जाए। और रूबी ओझा ने कमेंट की थी कि उनकी बेटी का बर्थडे है, तो उनकी बेटी का नाम है वेदांत ओझा, तो हैप्पी बर्थडे डियर, और आपको भी सारी खुशियाँ मिले आपकी लाइफ में और आपको भी आज के दिन जो चाहे वो मिल जाए। आदि की मम्मी ने कमेंट की थी कि आदि का बर्थडे है, तो उनके आईडी पे कुछ नाम नहीं लिखा है और उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया है, तो उनके आईडी पे लिखा है माधव गेमर, तो आदि हैप्पी बर्थडे डियर, और आपको भी सारी खुशियां मिले आपकी लाइफ में और आपको आज के दिन जो चाहो वो मिल जाए। और हाँ, राजश्री त्रिभुवन के भी मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी अंकल आंटी, और आपको भी आपकी लाइफ में सारी खुशियां मिले और आज के दिन आपको जो चाहो वो मिल जाए। तो मुझे लगता है कि अभी मैंने सारे बर्थडे एंड एनिवर्सरी विश कर दिए हैं, तो अभी मैं लेने वाली हूँ नाम, जो मैं दो नाम लेती हूँ। तो सबसे पहला नाम है, इनकी मम्मी ने रिक्वेस्ट की है, एक्चुअली उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है उनके बच्चों का नाम लेने के लिए, तो उनके बच्चों का नाम है महक एंड जैनब, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। और सेकेंड नाम है भक्ति शिंदे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि घर पर रहिए, सेफ रहिए, सब लोग हैप्पी रहिए। और हाँ, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब आपका बर्थडे या एनिवर्सरी रहे तो आप एक दिन पहले मुझे बताया करो, मतलब वो तो अगर आपकी कल एनिवर्सरी या बर्थडे है तो आप आज के ब्लॉग में ही बता दिया करो, मतलब मैं वो नाम पिक करके दूसरे दिन ले सकती हूँ। तो किसी ने 2-3 दिन पहले बताया, एक्चुअली वो मुझे याद नहीं रहा और उनके बेटे का आज बर्थडे था, तो मैं विश नहीं कर पाई, तो उन्होंने इतना सुना दिया उस पर ब्लॉग पे कि मतलब मुझे भी बुरा लगा यार। मतलब क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ एक ही काम नहीं होता है, फिर भी मैं स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ, जब भी आपकी कमेंट आती है मैं स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ और फिर आपके कमेंट पढ़ के आपको बताती हूँ। तो अगर आपके बेटे या किसी का भी बर्थडे हो तो मैं आपको बोलती हूँ कि एक दिन पहले ही मुझे बता दिया करो, अगर आप 2-4 दिन पहले बताते हो तो मुझे 2-4 दिन पहले से मुझे कैसे याद रहेगा, आप ही सोचो, आपको भी बहुत सारे काम होते होंगे घर पे, मुझे तो दुगने काम है, घर के भी काम होते हैं प्लस यूट्यूब के काम होते हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ को एडिट करना, वीडियो बनाना, घर के काम करना, बच्चों को संभालना, बहुत सारे काम होते हैं यार, वीडियो अपलोड करना, रात को मेरी नींद पूरी नहीं होती, रात रात भर जागती हूँ मैं वीडियो अपलोड करने के लिए, तो फिर भी आप इतना सुना के जाते हो ना, बहुत बुरा लगता है ऐसे टाइम में। उनकी सोच देखिए, उन्होंने कमेंट बताया क्या की थी, उन्होंने बोला मुझे कि आपको मैंने इतनी रूडली बोला कि आपको मैंने इतनी बार बोला है मेरे बेटे का बर्थडे है, 2-3 दिन से मैं बोल रही हूँ कि मेरे बेटे का बर्थडे है, मेरे बेटे का बर्थडे है, तूने सुना नहीं और तूने बोला नहीं ऐसे वैसे, मतलब तू करके बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा यार। मतलब आप लोग ये सोचो कि मैं बोलती हूँ, मैंने आपको कब मना किया है कि मैं बर्थडे विश, अगर 100 भी बर्थडे या एनिवर्सरी विश आए ना तो मैं 100 लोगों का नाम ले लूँगी, बट जो दो नाम लेने होते हैं तो वो मैं दो ही नाम लूँगी, दो नाम मैं खुद सिलेक्ट करती हूँ उसमें से, बट अगर आपके एनिवर्सरी या बर्थडे हो तो मैं कितने भी एनिवर्सरी या बर्थडे हो तो मैं वो नाम ले लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बर्थडे एनिवर्सरी विश करने के लिए, क्योंकि बर्थडे या एनिवर्सरी ये एक साल में एक ही बार आता है और
वो विश करने के लिए मुझे भी खुद को अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको मैं विश करूँगी तो मुझे खुद को अच्छा लगेगा। तो आप बर्थडे या एनिवर्सरी हो तो मुझे बता दिया करो। तो उन्होंने बताया, लेकिन 2-3 दिन पहले बताया। बट मैं कमेंट पिक करती हूँ पहले दिन की, मतलब जिस दिन मैं ये ब्लॉग बनाती हूँ उस दिन के ब्लॉग पे जो कमेंट आती है वही मैं पढ़ती हूँ और वही दूसरे दिन के लिए नाम लेती हूँ। तो उनका कहना था कि आप मुंह देख के सिलेक्ट करते हो, बट मुंह देख के कैसे सिलेक्ट करूँ आप ही सोचो। आप लोग मुझे जानते हो मेरे ब्लॉग के थ्रू, बट मुझे थोड़ी ना पता है कि आप लोग कौन हो। मुझे एक आई डी पे फोटो दिखता है आपका छोटा सा, तो उससे मैं थोड़ा सा पहचान लेती हूँ आपके चेहरे, और किसी किसी के तो वो भी नहीं दिखता है, और किसी किसी के आई डी पे भी नाम जो है वो अलग लिखा होता है, तो वो भी मुझे नहीं पता चलता है। तो आप सोचो कि मैं फेस देख के कैसे सिलेक्ट करती हूँ। मेरा सिर्फ ये रहता है कि जिस दिन मैं ब्लॉग बनाती हूँ उस दिन के ब्लॉग पे जो कमेंट आती है वही मैं पिक करती हूँ, अदरवाइज दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सो सॉरी डियर, बट मैं भी कुछ नहीं कर सकती। अगर आपने पहले दिन बोला होता तो मैं नेक्स्ट डे आपके बेटे का नाम ले लेती हूँ उसके बर्थडे के दिन। एक्चुअली ना इस कमेंट ने मुझे थोड़ा सा हर्ट कर दिया, क्योंकि क्या होता है कि मैं जो नाम लेती हूँ वो बहुत दिल से नाम लेती हूँ आप लोगों के, और मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोगों को बर्थडे या एनिवर्सरी विश करूँ। बट ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो हर्ट कर देते हैं थोड़ी थोड़ी सी बातों पे। जाने दीजिए, कोई बात नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके एनिवर्सरी या बर्थडे हो तो मुझे एक दिन पहले ही बता दिया करो। आप 2-4 दिन पहले से बताते हो तो मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं रहता है। जो भी कमेंट है वो मैं एक दिन पहले के ब्लॉग के पिक करूँगी, अदरवाइज आप अगर 2-4 दिन पहले ब्लॉग में कमेंट करते हो तो वो मैं पिक नहीं करूँगी। मैं पहले ही अभी बता दे रही हूँ क्योंकि आपको बुरा ना लगे इसी वजह से, और वो आपके जो कमेंट आते हैं उससे मुझे बुरा ना लगे इसलिए। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। जब भी आप सब्सक्राइब का रेड बटन दबाओगे उस पर जो मैं एक बेल आइकॉन आएगा उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उससे आप सबसे पहले देख पाओगे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल एंड बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। और हाँ, बारिश हो रही है, मतलब बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, बारिश हो रही है, और किस किस साइड में बारिश हो रही है ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। बाय बाय।